नमस्ते देवी और सज्जनों, आज अपन ऐसा नाश्ता बनाएंगे कि बच्चे पिज़्ज़ा और बर्गर भी खाना भूल जाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी लिया है मैदा। आप इसको सिर्फ गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं। आटे में डालेंगे 1 चम्मच दही, 1 चम्मच डालेंगे चीनी, नमक डालेंगे स्वादानुसार, 1 चम्मच डालेंगे तेल, 1 पिंच डालेंगे खाने वाला सोडा। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे और इसमें थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर पहले डालना मैं भूल गई थी। हल्दी डालने से थोड़ा सा कलर अच्छा दिखता है। डो को थोड़ा तेल लगाएंगे और अच्छे से मसल कर गूंथ लेंगे। अभी आटा रेडी हो चुका है। आटे को ढककर साइड में रख लेते हैं। तब तक स्टफिंग के लिए मसाला बनाएंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है गर्म होने के लिए। उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने डाली है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। आप इसमें आपकी मनपसंद कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। डालेंगे टमाटर, नमक डालेंगे स्वादानुसार, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। अभी मसाला अच्छे से फ्राई हुआ है और ड्राई भी हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे ये पनीर। ये पनीर का मसाला भी फ्राई हो चुका है। अभी इसको ठंडा कर लेंगे। ये पनीर वाला मसाला अभी ठंडा हो चुका है। इसमें डालेंगे चीज और चीज को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ओरेगैनो डालेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हुआ है। आटा भी अच्छे से सेट हुआ है। अभी ये आटे की 2-3 लोइयां तोड़ लेंगे। चकले को थोड़ा सा तेल लगाएंगे। पूरी जैसा बेल लेंगे। अभी ये पूरी के ऊपर ये स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को अच्छे से हाथों से दबाना है और फिर साइड से इसे बंद करना है। ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको निकाल देंगे। ऐसे बनाना है। चलिए सारे नाश्ते को ऐसे बना लेते हैं। यह गैस पर मैंने एक तवा रखा है गरम होने के लिए और उसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। और गरम होने के बाद ये नाश्ते को इसके ऊपर रखेंगे सेकने के लिए। स्लो फ्लेम में ही सेकना है। देखिए नाश्ते को ऐसे उलट पलट करके बहुत ही अच्छा पकाया है और साइड से भी पका लिया है। साइड में ऐसा खड़ा करके पका लिया है। देखिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर तैयार है। आप चलिए अभी ये निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, एकदम फ्लफी सा नाश्ता बना है, एकदम सॉफ्ट बना है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए। तो चलिए तैयार है गेहूं के आटा और मैदा का एकदम नया सा नाश्ता। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। रेसिपी कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।